दोस्तों पार्ट वन वीडियो में आपको इसको इस ब्लूटूथ के बारे में दिखाया, जिसका प्रॉब्लम जो था ऑन ऑफ हो रहा था। तो इसका मल्टीमीटर से लेके काफ़ी कुछ चेक किए, लेकिन इसमें जो है कोई फॉल्टी फॉल्टी नहीं मिला। कोई भी चीज़ जो है इसका ये ब्लूटूथ जो है, इस ब्लूटूथ में ना ही कोई चीज़ खराबी था, ना ही कोई चीज़ ख़राब है, ना ही कोई सोल्डिंग ढीला था। ये जो सोल्डिंग यहाँ पे था, ये जो लगा हुआ स्पीकर का सोल्डिंग, आप जैसे जानते हैं स्पीकर, और जो लाइट कैसे थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पे देखिएगा आप इसे घुमा कर दिखाते हैं। इसका अंदर जो स्पीकर के अंदर लाइट जलता है, ये स्पीकर के अंदर लाइट जलता है, और ये जो स्पीकर का जो लाइन यहाँ पे है, आप देखिएगा ये टोटल यहाँ पे लिखा हुआ, आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे एलईडी लिखा हुआ है। यहाँ पे एलईडी एलईडी का भी लाइट जोड़ दिए। इसमें क्या है, ब्लूटूथ के अंदर स्पीकर के अंदर एलईडी लगाया हुआ है। तो अभी एडवांस जो ब्लूटूथ आ रहे हैं, तो स्पीकर के अंदर एलईडी लगा हुआ रहता है। ये स्पीकर लिखा, स्पीकर का लाइन भी जोड़ दिए, बैटरी का लाइन भी जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जो हमने क्या किया, इसका पूरा चेक करने के बाद हमें इसके ब्लूटूथ इस ब्लूटूथ में कोई फॉल्ट ही नहीं मिला। कोई फॉल्ट है नहीं इसमें, कोई पार्ट ख़राब नहीं है। डायोड जो है इसका डायोड भी चेक करें, डायोड भी ठीक है इसका। आईसी जो चेक किया, आईसी भी ठीक है, कोई चीज़ खराबी नहीं था। तो यहाँ पे जो इसका सोल्डिंग था, सोल्डिंग जो यहाँ पे थोड़ा छूटा हुआ था, तो ये सोल्डिंग को हमने सही से कर दिया है। करने के बाद भी देखिए ये जो सही से काम नहीं कर रहा। उसके बाद हमने क्या किया है, ये जो स्विच देखिए, इस स्विच को हमने यहाँ से ले कर चेंज कर दिया। यहाँ पे जो स्विच लगा हुआ था, यहाँ से स्विच को हमने निकाला, और निकालने के बाद दूसरा इसको नया स्विच लगा दिया। उसके बाद जो हम इसको अभी आपको पार्ट दो में दिखा रहे, क्योंकि वो वीडियो ऑटोमेटिकली बंद हो गया था, जिसकी वजह से आपको दिखा नहीं पाए। तो ये उसी वीडियो का एक हिस्सा है, तो इसमें आपको दिखा दे रहे चला के, कि ये देखिएगा इसमें चलाते ही लाइट जलेगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत मुश्किल होता है। ये फॉल्टी यहाँ का ही था, लेकिन इतना आसान नहीं है कि इसमें से पकड़ के दिखा सके कि क्या फॉल्टी है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है इस स्विच को चेक करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे देखना पड़ता है कोई पार्ट कहीं से खुल गया है कि नहीं खुला है। उसके बाद डायट को देखना पड़ता है, डायट शॉर्ट है कि नहीं है। तो ये ऑलरेडी सब चीज़ को आपको देखना पड़ेगा पहले। इसमें आप मल्टीमीटर से लेकर फर्स्ट में चेक नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा कोई पार्ट टूट गया है, क्रैक हो गया है, छूट गया है। वो सब देखने के बाद ही जो फॉल्ट है आपको उस बोर्ड में, उसी जगह उसी सेक्शन को आपको चेक करना होगा। जैसे पावर का जो फॉल्ट था इसके अंदर, तो ये चार्जिंग पिन को हमने क्या किया, वापस सॉल्ट कर दिए। जो थोड़ा सा ढीला था उसको भी मजबूत कर दिए। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा दिखेगा, वो इतना छोटा है कि आपको दिखाया नहीं जा सकता। यहाँ पे एक रजिस्टर दिखेगा, ये छोटा सा लगा हुआ इस चार्जिंग आईसी के पास। तो ये वाला यहाँ पे था नहीं, तो इसको हमने लगा दिया जो है, दूसरा एक बोर्ड से खोल के हमने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको लगाना दिखाने से। तो उसको खोल के हमने लगा दिया। उसके बाद ये बैटरी कनेक्शन जो यहाँ पे थोड़ा ढीला था, तो इसको भी हमने जो है यहाँ पे भी जो है ठीक कर दिए। तो यही लास्ट में चेक करने के बाद जो हमें पता चला कि ये जो स्विच है, स्विच का ही प्रॉब्लम है। तो हमने ये स्विच पलटाया, तो ये देखे चालू हो गया। तो इसको फिर बंद करें, फिर चालू करें, तो देख रहे। तो ये ब्लूटूथ का यही प्रॉब्लम था दोस्तों। तो इसको हमने क्या किया, आराम से इसको बना लिया। तो आपके पास भी इस तरीके का ब्लूटूथ जाएगा बनने के लिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस ब्लूटूथ को खोलना है। प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको छेड़ना नहीं ब्लूटूथ को। सबसे पहले देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आपको खोलना है बोर्ड को। खोलने के बाद आपको इस बोर्ड में देखना है कोई तार खुला तो नहीं है, या बैटरी का लाइन छूट तो नहीं गया, या चार्जिंग पिन, अगर चार्जिंग पिन के पास जो आईसी है उस एरिया में कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये क्रिस्टल को भी चेक करना पड़ता है, लेकिन क्रिस्टल को निकाल के चेक करना पड़ता है। इसमें बोर्ड में लगा हुआ चेक करिएगा, तो ये आईसी का जो सेंस नापता है कितना स्पीड में काम करेगा क्रिस्टल, तो ये क्रिस्टल का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको चालू करके ना चेक करें, निकाल के बोर्ड से चेक करें फिर लगाएं। उसके बाद यहाँ पे एम्पलीफायर का आईसी है, ये भी ख़राब हो सकता है। अगर साउंड नहीं निकलता है, तो ये आईसी का फॉल्टी हो सकता है। आपको हाथ लगा के छू के देखना होगा कि ज़्यादा हीट हो रहा है, तो समझ लीजिए ये ख़राब है। तो उसको निकाल के आप दूसरा बोर्ड से वहाँ पे एम्पलीफायर का आईसी सेम नंबर का लगा देंगे, तो चालू हो जाएगा। ये आईसी हर बोर्ड में देखने को मिलता है, ये पूरा बोर्ड को कंट्रोल करता है। तो इस नंबर देख के आप इस आईसी को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको देख लेना है कि इसमें कोई क्या फॉल्ट है। फॉल्ट आपको देखने के बाद ही आपको इसके साथ काम करना है। अगर कोई रजिस्टर, ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर अपना जगह पे नहीं है, तो उस जगह पे कैसा, कौन सा रजिस्टर, कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर लगा था, तो वो आपको लगा देना है। तो यही है, ज़्यादा कुछ इस बोर्ड में नहीं है। ऐसा बोर्ड आपके घर में है, आप लोग आराम से ही ला के आप रिपेयरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका फॉल्ट जो यहाँ पे था ऑन ऑफ का, तो ये देखिए, देखे यही फॉल्ट है। चलिए हम इसको एक बार लगा के सेट करके आपको गाना बजा के सुनाते हैं इसका साउंड सिस्टम कैसा है। लगा दिए। इसका कवर जो है दोस्तों, ये कवर है, पीछे से आपको ले लेना है ऐसे लेके।
आपको एक बार देख लेना है कि सही से लग रहा है कि नहीं, तो इसको ऐसे घुमा ले, क्योंकि सही से नहीं लगेगा तो घुमा लेना होगा। लेकिन एक बात है दोस्तों, इसके अंदर जो स्विच जो रह गया है, तो इसको यहाँ से ज़्यादा प्रेस नहीं करना है दोस्तों, देखना है ध्यान से कहीं कुछ छूटा है या कुछ खुला है। आराम से इसको लगाएंगे, पीछे को देखना ध्यान से कहीं कुछ बोर्ड में छूटा तो नहीं है। ये है, ये देखिए दोस्तों कितना आराम से लग गया, देखे। अब ये जो स्विच ऑन ऑफ का, इसको भी हमें लगा लेना है, यहाँ पे लगा लेना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा दोस्तों। एक भूल हो गया, इसको अंदर से लगाना पड़ता है, तो इसको एक बार फिर खोलना पड़ेगा। थोड़ा वीडियो को मैं रोक के फिर कर, इसको खोल के लिए यहाँ पे लगा लेते हैं। स्विच जो यहाँ पे लगा हुआ रहता है दोस्तों, यहाँ पे इस एरिया में, ये देखिए लगा लिए। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था लगाते समय, तो ये सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, फिर से देखिए आपस में जो जगह पर था एकदम बिल्कुल परफेक्टली उस जगह पर आ जाएगा। लेकिन इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा, ये देखिए स्पीकर अपना जगह से हिल गया, तो स्पीकर को हमें थोड़ा सही कर लेना होगा। ये देखिए सब अपना जगह पे आ गया। एक बार इसको चलाते हैं, चला के आपको दिखाते हैं, एक बार गाना बजा के भी आपको दिखा देंगे, जैसे कि आपको पूरा तरीका से लगे कि हाँ ये ठीक बना है। एक बार पीछे से इसके चालू कर लेते हैं दोस्तों। तो ये क्या पूरा तरीका से स्क्रू टाइट नहीं दिए, तो इसीलिए हमको इससे करना पड़ेगा थोड़ा। Welcome to Boston Music World. देखे दोस्तों, The Bluetooth device is ready to connect. अब इसको हम कनेक्ट करके चला के आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों कनेक्ट करवा दिए इसको, अब देखते बजा के कैसा बजता है। देखिए प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि अगर ज़्यादा देर बजाएंगे तो कॉपीराइट लग जाएगा, इसीलिए आपको जो है थोड़ा थोड़ा बजा के दिखा रहे। तो ये है पूरा, बिल्कुल भी ये बन चुका है, कोई ख़राबी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों। आप भी आराम से बना सकते हैं, बस आपको थोड़ा कोशिश करना है और प्रैक्टिस करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।